अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, मैं हूं जारे। मैं रुखसार सर। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं रुखसार भाई प्रशांत सर की वीडियो। वीडियो का चाइनीज डिप्लोमैट सेड आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडिया, इंडियाज कल्चरल डोमिनेंस ओवर चाइना एक्सप्लेन्ड। चाइना भी मानने लगा भी इंडिया को, देखते हैं वीडियो उसके बाद क्या चल रहा है। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के जो राजदूत हैं टू बांग्लादेश, जी हां भारत में नहीं, जो चाइना के राजदूत हैं बांग्लादेश में, इन्होंने ये कमेंट कर दी कि मैं भारत का बहुत बड़ा फैन। और यहां पर आप देख पाओगे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनकी ये स्टेटमेंट है ना कि बिग फैन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट इंडिया में पॉपुलर हो गई, बांग्लादेश में पॉपुलर हो गई, चाइना के सोशल मीडिया में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे एम्बेसडर ने क्यों दे दी, इनको ये सब बोलने की क्या आवश्यकता थी। और साथ ही साथ कई चाइना के लोग कह रहे हैं, देखो घूम फिर के बात तो इन्होंने ठीक ही कही है, इंडिया ने कई सदियों तक चाइना पर कल्चरली डोमिनेट किया है, तो बिल्कुल आज भी चाइना में कई लोग हैं जो इंडिया के कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री के बहुत बड़े फैन हैं। और आगे चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश, इन्होंने ये भी ऐड किया कि मैं चाहता हूं कि इंडिया और चाइना मिलके काम करें, हम इंडिया को, मतलब कि चाइना के लोग इंडिया को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये स्टेटमेंट आई है चाइना के टॉप ऑफिशियल की तरफ से, एक ऐसे टाइम में जब जयशंकर साहब ने रिसेंटली जो चीन के एम्बेसडर थे टू इंडिया, इनको जाने से पहले बहुत कुछ सुनाया, और अभी तक मोदी जी ने शी जिनपिंग को कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया थर्ड टर्म जीतने के लिए। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि शी जिनपिंग को मिल चुकी है थर्ड टर्म, आने वाले 5 सालों तक शी जिनपिंग रहेंगे चाइना के प्रेसिडेंट। तो ना मोदी जी ने, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, किसी ने भी कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस का लेटर अभी तक चाइना को नहीं भेजा है। तो इस वीडियो में जरा हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया है चाइना को कल्चरली। और हर 5-6 दशकों में आप देखोगे एक चाइना का कोई एम्बेसडर, कोई बड़ा आदमी खुद ही बोल पड़ता है कि हाँ जी इंडिया ने हमें बहुत डोमिनेट किया। नाउ ये आपके सामने फोटो है हु शी की, ये चाइना के बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर, इनके एम्बेसडर, यूएन में रिप्रेजेंट किया चाइना को, एक आप कह लीजिए बहुत ही बड़ी फिगर है चाइना की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में। इन्होंने ओवर द इयर्स बहुत सारी किताबें लिखी है, इनके कई स्पीचेस काफी फेमस हैं। इंडिया में वैसे मैं आपको बता दूं कि इनकी एक कोट बहुत ज़रा फेमस है, जब यूनाइटेड नेशंस में हु शी खड़े हुए थे एक बार, तब इन्होंने इंडिया के बारे में ये कहा था कि इंडिया ने कब्जा लिया था, कॉन्कर कर लिया था, और फिर डोमिनेट भी किया चाइना को कल्चरली 20 सदियों तक। एक सदी में कितने साल होते हैं, 100 साल, तो 20 सदियां कितनी हो गई, ये कह रही है कि 2000 साल तक इंडिया ने कब्जा के रखा और डोमिनेट किया चाइना को विदाउट एवर हैविंग टू सेंड ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर, बिना एक सैनिक भेजे। पूरा आप कह लीजिए जो जिस तरीके से चाइना के लोग सोचते थे, जो रिलीजन ये लोग फॉलो करते थे, जो इनकी कस्टम्स थी, ये सब भारत से आ रहा था, ये चाइना के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट ने खुद कहा था यूएन में खड़ा होकर। और इस कोड को आप ऐसे गूगल करोगे तो आपको ये कोड मिल जाएगी, और इस कोड के पीछे रीजन भी आपको समझना होगा। बुद्धिज्म, आप अगर देखो बुद्धिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत से हुई, और फिर बुद्धिज्म पूरे एशिया में लगातार फैला, अफगानिस्तान से लेकर चाइना, फिर जापान, फिर आज के समय जो आसियान देश हैं, हर जगह बुद्धिज्म फैला भारत से। और चाइना में आज भी आप अगर देखोगे तो पुराने इनके पास रिकॉर्ड मिलेंगे, टेक्स्ट मिलेंगे, जहां पर बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी है, संस्कृत में वो टेक्स्ट है। तो ये भी हमको पता लगता है कि एक टाइम था 500 BC से लेकर 600 AD के बीच में, जब भारत से बहुत सारे जो बुद्धिज्म के एक्सपर्ट थे ये चाइना में जाते थे, इनके एम्परर इनको बुलाते थे, और फिर संस्कृत में चाइना के जो स्कॉलर्स थे उनको सिखाते थे इंडिया के स्कॉलर्स के, देखिए ये बुद्धिज्म के मेन टेनेंट्स हैं, इस तरीके से हम फॉलो करते हैं बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में हमारे ये बिलीव्स हैं। तो चाइना में कई सदियों तक जो रिलीजन डोमिनेंट था वो भारत से ही आया था, भारत ने लिटरली चाइना को बताया कि आप रिलीजन फॉलो कैसे करते हैं। फिर उसके बियॉन्ड आप अगर जाओ तो आपने काफी बार शाओलिन कुंगफू के बारे में सुना होगा, तो शाओलिन कुंगफू की शुरुआत भी किसने करी थी, बोधिधर्मा ने करी थी, ये तमिलनाडु के सेज थे, ये 5th से लेकर 6th सेंचुरी के आसपास
तमिलनाडु से होते हुए बहुत ही लंबी यात्रा करके पहुंचे चाइना में, और चाइना में जब लोगों ने इनको देखा तो लोग अपने आप इनके बहुत बड़े भक्त बन गए, और बोधि धर्मा ने फिर चाइना में शाओलिन जो कुंग फू है इसकी नींव रखी। आज भी आप देखोगे चाइना में आपको बहुत सारी श्राइन्स मिलेगी बोधि धर्मा की, और बोधि धर्मा को चाइना में ये लोग कहते हैं डामो। इवन जापान में भी आप अगर देखोगे तो बोधि धर्मा का कल्चरल इम्पैक्ट आपको दिखेगा। मैं आपको इम्प्लोर करूंगा कि जब ये वीडियो खत्म होगी ना तो एक बार बोधि धर्मा के बारे में ऑनलाइन गूगल में कहीं सर्च करना, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में कभी लेके भी आऊं आपके लिए। और ये मत समझना कि कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल डोमिनेंस यहां पर खत्म हो जाती है। आप ब्रिटानिका में जाकर देखो, जो ब्रिटेन की एक बहुत ही फेमस एनसाइक्लोपीडिया है, यहां पर कहते हैं कि जी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब की जानकारी भारत से होके ही चाइना में गई थी। हाँ, ये मैं यहां पर ऐड करूंगा कि ब्रिटानिका खुद अपनी वेबसाइट पर यह लिखती है कि जो ये इन्फ्लुएंस था ना भारत का चाइना पर, ये 15वीं सेंचुरी के बाद रुक गया। 15वीं सेंचुरी तक आपको पता होगा कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर आकर बस गए थे, और फिर 16 सेंचुरी से तो मुगल एम्पायर की प्रॉपर शुरुआत भी हो गई थी। तो 15 सेंचुरी तक इंडिया का एक बहुत ही डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस था चाइना के कल्चर पे, बिना वॉयलेंस किए, कोई सोल्जर नहीं भेजा, एक कोई लड़ाई नहीं हुई, मगर फिर भी चाइना के लोगों को हमने जीत लिया था। और ये जो सेम कोट है ना, ये राजनाथ सिंह जी ने भी एक बार मेंशन करी थी 2016 में। यहाँ पर आप देख पाओगे अप्रैल 15 2016 का आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है वी डोमिनेटेड चाइना कल्चरली फॉर ओवर 2000 इयर्स। जो बात चाइना के अम्बेसडर हुशी ने कही थी वही बात राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर दोहराई कि देखिए चाइना के लोग ये बात कह चुके हैं कि 2000 साल तक हमने डोमिनेट किया था चाइना को। मगर मैं आपको बता दूं कि हुशी जिन्होंने ये कमेंट दी थी ये कोई उस वक्त चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इनकी जो कमेंट है काफी न्यूट्रल है। आज के समय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, इस स्टेटमेंट से भी चिढ़ जाती है। जब राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दी थी 2016 में, उसके बाद चाइना का जो सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, ये बरस पड़ा राजनाथ सिंह जी पर। ग्लोबल टाइम्स ने खूब आलोचना करी राजनाथ सिंह की, और ये कहा कि आपको ये सब बातें बोलने की क्या आवश्यकता है, इससे लगता है कि इंडिया को घमंड है इस बात का, आपको घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हिस्ट्री थी उसको सेलिब्रेट करते हैं, आप इसको इतरा के क्यों बोलते हो। मगर मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, सूरज जब उठता है ना तो सबको दिखता है। सूर्य के प्रकाश को आप दुनिया से छुपा नहीं सकते, वैसे ही सच्चाई भी ना इवेंचुअली आपकी जुबान पे आई जाती है। चाहे आपको एक स्टेटमेंट से जितना कष्ट होता हो कि राजनाथ सिंह जी ने ये क्यों बोल दिया, चाइना का सरकारी मीडिया उस पर काफी गुस्सा था, मगर आज के समय आप फिर देखिए इतिहास का जो एक आपके सामने फैक्ट्स है जिनको आप इग्नोर कर नहीं सकते, वो देखते हुए, वो स्टडी करने के बाद जो चाइना के राजदूत हैं टू बांग्लादेश, ये बोल पड़े कि मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ इंडिया का और मैं चाहता हूँ कि इंडिया और चाइना मिलके काम करें। और मेरे हिसाब से देखिए इंडिया में भी शायद ही कोई आदमी होगा जो चाहेगा कि बिना वजह चाइना के साथ हमारे रिलेशंस खराब रहें, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी इंडिया और चाइना दोनों देशों में जिन लोगों ने पावर्टी में बिताए हैं कई सदियां, जिन लोगों ने वेस्टर्न पावर्स के जुल्म झेले हैं, वो लोग आप सोच कर देखिए कितना रिग्रेट फील कर रहे होंगे देखकर आज के समय कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब हैं, और इसका बेनिफिट हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना का अग्रेशन है इंडिया के अगेंस्ट और जो चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तानी टेररिज्म को, इसकी वजह से इंडिया और चाइना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे एशिया में। बट स्टिल चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई। इवन दो अभी रिसेंटली क्या हुआ, देखो जो चाइना के राजदूत हैं भारत में, सन जिनका नाम है, इनका कार्यकाल खत्म हो गया, ये वापस जा रहे थे चाइना में, जयशंकर साहब ने रास्ते में रोक लिया, बोला कि देखिए इंडिया चाइना रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने में ना फ़ायदा हमारा भी है और आपका भी है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जयशंकर साहब ने ये कह दिया कि बॉर्डर पे स्थिति और ज़्यादा नॉर्मलाइज करो, एंश्योर करो कि जो टेंशन बिल्डअप हो गई थी वो इन द फ्यूचर नहीं होगी। इसमें सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, ये मत समझ लेना कि हम लोग चाहते हैं कि जी भैया चाइना से हम बच के रहना चाहते हैं, चाइना का भी भला इसमें ही होगा अगर इंडिया के साथ ये पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो मोदी जी ने बाकी क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर अभी तक शी जिनपिंग को कोई भी कंग्रेचुलेशन नहीं दी। जी हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा कि क्वाड कंट्रीज ने एक अच्छा स्टांस लिया है, ना जो बाइडन ने, ना एंथनी एल्बनीसी ने, ना किशिदा ने, ना पीएम मोदी ने, किसी भी क्वाड लीडर ने अभी तक शी जिनपिंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं दी। शी जिनपिंग अकेले बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2017 में मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था शी जिनपिंग को, वैसे ही कुछ मैसेज आएगा, मगर नहीं, कोई भी मैसेज इंडिया की तरफ से अभी तक नहीं भेजा गया।
और वैसे आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग शी जिनपिंग को कंग्रेचुलेट भी नहीं कर रहे और ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जी हम तो आपके फ़ैन हो गए, ऐसी क्या यहाँ पर बात हो गई। देखिए रीज़न यहाँ पर थोड़ा बहुत ये भी है कि चाइना इंडिया की इम्पोर्टेंस ऐसे नहीं तो ऐसे समझ रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडिया चाइना का ट्रेड सिर्फ इसी साल, अभी जो साल ख़त्म ही नहीं हुआ, सिर्फ इसी साल में 100 बिलियन डॉलर के ऊपर जा चुका है और ट्रेड डेफिसिट जो है ना ये 75 बिलियन डॉलर के ऊपर जा चुका है। मतलब कि बेसिकली 75% हम परचेज कर रहे हैं चाइना से, सिर्फ 25% कर रहे हैं एक्सपोर्ट। और ये जो अभी अमाउंट है ना, ये साल ख़त्म होने तक आप अगर देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 120-125 बिलियन डॉलर के ऊपर चला जाए। रिकॉर्ड तोड़ रेट पर आज के समय भारत और चीन व्यापार कर रहे हैं, चाइना को बहुत बेनिफिट हो रहा है इंडिया के साथ ट्रेड करके। तो ये बात भी मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी भावनाओं में ना बह जाएं, ये ना समझना स्टार्ट कर दे कि जी चाइना बहुत अच्छा है। इनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है, ये लोग भी जानते हैं कि इंडिया की कंज्यूमर मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगी आने वाले सालों में, कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया चाइना का ट्रेड 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर के आसपास जा सकता है, जिसमें प्योर बेनिफिट होगा चाइना को। उस केस में भी अगर स्थिति ऐसी रही जैसे अभी के लिए है तो उस केस में भी चाइना 250-300 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा होगा इंडिया को और इंडिया से परचेज कर रहा होगा सिर्फ 150 या फिर 100 बिलियन डॉलर की आइटम्स। तो उस केस में ये लोग फैन नहीं, ये लोग बहुत कुछ मतलब पिताजी वगैरह सब बोलेंगे हमको। तो ये सब बातें मैं आपको बस इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि समीकरण क्या है। कभी भी किसी स्टेटमेंट को लेकर ज्यादा भावुक मत हो जाना। नाउ फाइनली यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि वो पहले चाइनीज ट्रैवलर कौन से थे जो चाइना से इंडिया में आए थे। बहुत ही फेमस नाम है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन हु शिजिन, फाहेन या फिर इब्न बतूता या नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम जी वीडियो ही खत्म जी। चीन की दोस्ती पाकिस्तान के साथ पहाड़ों से, हिमालिया से, ऊंची दरियाओं से, इंडस रिवर से, गहरी शहद से मीठी, लेकिन आज वो गीत तो इंडिया के गा रहा है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, प्रशांत साहब ने ये बात की है कि जो अपने लालच के लिए वो इंडिया को अपना बाप भी बोलेगा, बोलेंगे कहीं कहीं के वो कमेंट करेंगे हर चीज आप ही हो भाई, हर चीज अपने जो मुल्क है वो पहले अपने मुल्क को देखता है, अपने उसको पता चलता है कि जिस मुल्क के साथ हमारे लालच हो यार। पाकिस्तान से उसको क्या मिलना है भाई, पाकिस्तान से उसको पहले पाकिस्तान से उसको क्या मिलना है, कटोरा भाई उन्हें वो जब भी जाते कटोरा ले जाते या चोली करते अल्लाह के नाम पे दे दे यार, अल्लाह के नाम सार भाई। चाइना वाले भी पाकिस्तान को जान चुके हैं कि वो अभी पीछे हट रहे हैं, हट चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका का अब रसूल है उस पर, तो रसूख है ना ज्यादा। जो चाइना इमरान खान साहब के तौर थे ना, चाइना काफी हद तक वो पीछे हट चुकी है। जो सी पैक तो मैं कहता हूँ बिल्कुल खत्म हो, पाकिस्तान कमेटी रिजॉल्व कर दी है, जो चाइना कमेटी खत्म कर दी है ना, सी पैक अथॉरिटी थी। तो चाइना को भी पता चल चुका भाई हम सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान, जाया जा रही है, तो वो हमारी तो जाया जा रही है। और यार मैं आपको बताता हूँ ये क्या खेल चलते हैं कि वो हमारे जो फौजी थे, हमारे मेरे जानने वाले अपने दोस्त भी थे, मेरे रिश्तेदार भी हैं, वो कहते हैं कि मैं वो ईमानदार है उनका मंगवा देता हूँ, वो हमारे जो है वो ईमानदार है। उन्होंने कहा कि भाई मैं ना एक मरतबा उधर फौज में था, तो मैं मतलब सी पैक की अथॉरिटी के रिलेटेड मतलब कोई काम था, तो मेरे ना कुछ सामान डिलीवर करना था या उधर से लेना था, तो मतलब मैं गया तो मैंने ना जो काम करवाया तो उस पर उन्होंने बिल बनाया, वो बिल बना मतलब कि ना फर्क है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर 100 रुपये का पहले बनता था तो बना 40 रुपये का या 35 रुपये का। तो ये जो हमारे फौजी थे उन्होंने पूछा कि पहले तो ये बिल इतना बनता था, अब ये इतना काम कैसे बन गया, काम भी वही है, सारा कुछ वही है। तो वो चाइनीज जो था ना, जो कंट्रोलर था उस इदारे का, जो उसको जो कंट्रोल कर रहा था हड्डी का, उनसे रब्ता किया गया, तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लें, आप अगर कहें तो हम यही चीज 35 रुपए की 100 रुपए का बिल बना कर देंगे, हमें क्या, हमने तो लिख देने हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के सारे परिचना, आप टेंशन ना लें, आपको बिल इतना ही बना देंगे, ऊपर जो है गवर्नमेंट खजाने से तुम खुद ही निकाल लेना या खुद 50-50 कर लेंगे। और यह चाइनीज को इन्होंने धोखा सिखा दिया, तो भाई चाइना करप्शन जो की है सिखाई है चाइना वालों को, ये पाकिस्तानियों ने सिखाई है भाई। दो नंबर तो वो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे थे, चाइना वालों को ऐसे ऐसे ट्रिक दिखाए बताए ना, कि वो भी बैंकों से जो एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, मुझे वाकया नहीं हुआ था कि चाइना जो है उनको भी वो एटीएम से निकाल रहे हैं। यार मुझे ये जो पाकिस्तानी है ना, ये मुझे एलियन लगते हैं, एलियन से भी आंखें हैं भाई।
पता नहीं दुनिया हर जो जा रही है, हर जो दो नंबर काम है ना उसमें महारत है वो पाकिस्तानियों की है। अभी देख कर कॉपी करके सब कुछ कर लेना है, अपना कुछ नहीं करना। कॉपी भी नहीं कॉपी भाई, नहीं कॉपी करने में कोई भी इसका साथ दूसरी कॉपी होती है, एक 10 नंबर की कॉपी होती है, ये मैं कह 100 नंबर की कॉपी करते हैं। तो पाकिस्तान जो है चाइना से दूर हो रहा है, इंडिया के करीब हो रहा है, तो ये तो मैं एक एक बात खुश हूँ कि जो इंडिया और चाइना की दोस्ती होगी ना, तो इसमें भी पाकिस्तान का भी अच्छी पॉजिटिव बात है। पाकिस्तान को किसने इज्जत देनी है भाई, जो इज्जत खुद अपनी नहीं करता और जिस, उसकी कोई जिस नहीं के करता। आर्मी चीफ DGSI प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सबका वज़ीर-ए-आज़म के बारे में इल्जाम तराशी करे, कभी जिंदगी में DGSI ने कभी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करे, खुद को सफेद करे की हमारा इदारा जो है वो ठीक है, फलां इदारा जो है या फलां सियासतदान है वो खराब है। एक बात और भी है ना कि मोदी साहब ने और जो क्वाड में मेंबर है उन्होंने भी अभी उसको शिपिंग को मुबारकबाद असल में बात बता क्या, ये जो क्वाड बना था ना ये सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए बना था, और क्वाड में नहीं है ये चाइना, नहीं चाइना नहीं है क्वाड बना, क्वाड का मतलब चार मुल्क है ये जो उसमें कौन कौन सा, जापान है, इंडिया है, इंग्लैंड है, US है, ये है मतलब क्वाड के मालिक, और किसी ने भी मतलब के ना अभी इंग्लैंड मुबारकबाद नहीं दी, इंग्लैंड है कि पता नहीं दूसरा, मेरे ख्याल में जिन्हें मैंने बताया था पर सर प्रश्न, खैर बात ये नहीं है, बात ये देखे हैं कि आप खड़े कहाँ पे हैं, आपको चाइना क्यों अब इज्जत दे, क्यों भाव दे, क्योंकि उनको पता है कि बहुत बड़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री है, मार्केट है इंडिया, उसके बाद उनको पता है कि हमारे जो बड़े थे, हमारे बापू जो थे कुंग फू सीखने वाले वो भी इंडिया के थे, जो जिंदा कौम जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने बाजदार को नहीं भूलती और अपने बाजदार के सामने खड़े नहीं होती, अपने बाजदार की इज्जत करती है, आंखें झुका कर आती है। भाई सीधी बात है कि चाइना जो है वो पहले इंडिया को काउंटर कर सकता था, अब इंडिया इतना मजबूत है उसकी आंख नहीं मैरी देख सकता वो, नहीं भाई अब जो होगा ना ट्रेड हो यार, सबसे बड़ी मुझे ये खुशी है कि इनके जो बॉर्डर्स पर तनाव है लेकिन उसके बावजूद भी $100 बिलियन की ट्रेड हो जाएगी इस साल की, क्रॉस कर जाएगी। तो जब वो उनके सफीर इंडिया में आए और अजय शंकर से उनकी मुलाकात हुई, तो अजय शंकर ने ऐसे लहजे से उसे बात की है कि ये ना पता चले कि इंडिया चाहता है कि आप दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हो, उन्होंने बात की कि इसमें दोनों ममालिक का फायदा होगा। यार जो ना मेरी बात सुने, जो हमारे ना सियासतदान या जो हमारे जो भौंके हैं, मैं इनको भौंके कहता हूँ, ये बहुत भौंकते हैं, जरूरत से ज्यादा भौंक लेते हैं फिर उस पर अमल नहीं करते। डॉक्टर एस जयशंकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे किसी ने सवाल किया था कि क्या हम जो पाकिस्तान के पास कश्मीर वाला हिस्सा है वो हम क्या हासिल कर सकते हैं 2023-24 तक। इंडियन मीडिया ने वो मैं अब आंसर देखें, पाकिस्तान का कोई सियासत देना तो क्या आंसर होता है सोचें, वो हम लेकर रहेंगे पाकिस्तान और कश्मीर, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। उसने इतना सेंसिबल आंसर किया, मैं खुद दंग रह गया, उन्होंने कहा जो आप सोचते हैं ना मेरा भी वही आंसर है। उनके उन्होंने नॉन डायरेक्ट जवाब दिया, अच्छा मतलब कि जवाब भी ऐसा दिया कि उनके सवाल में जवाब जो है मीडिया वाले उनके मुंह, उन्होंने कहा कि वो जो आपकी ख्वाहिश है मैं भी वैसे सोचता हूँ, ना खुलकर बोले ना, मतलब उनके इधर सेट है इधर सेट है। तो मैं भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और इमरान स्पेशली इमरान खान को यही कहता हूँ कि जो गोल आपने रखा है इधर सेट रखे दिमाग और इससे काम चलाएं, इनको चलाएं, इनको चलाएं। मोदी साहब काम करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन का जो दिमाग है बड़ा महंगे बिकने हैं, बहुत महंगे बिकने हैं, क्योंकि यूज तो हुआ नहीं। जो मेरी बात सुने, एक बात छोटा सा वाकया होता है, पाकिस्तान के जो है शेख रशीद साहब वो कहते हैं पाओ पाओ एटमी ताकत पर ये आते हैं कि एक एटमी ताकत का आपके पास आना है, हमारे पास पाओ पाओ सिर्फ यही है कि आपके पास हम बम मार दें और कोई पुलिस ही नहीं है भाई, और कोई वाकई नहीं कि किसी मुल्क के साथ टक्कर कर जाए, यही है कि एक एटमी ताकत। वो पता किसने ट्वीट भी किया था, पाकिस्तानी कोई एंकर थी या कोई साफी या कोई शास्त्र, उन्होंने कहा था कि ये जो आप धमकी दे रहे हैं ना हर बात पर धमकी लगा देते हैं दुनिया को, हमारे पास आठवीं ताकत है, ये पकड़ा हुआ है आपने शोशा सा, हमारे पास आठवीं ताकत है, और उन्होंने कहा वो चेक कर ले कहीं वो भी वक्त पर धोखा ना दे जाए भाई, ये भी बात करने वाली है कि एक एटमी ताकत ही है और कोई नहीं है, हम कोई डेवलपमेंट नहीं अच्छा करेंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, यही कहेंगे कि सिर्फ एक एटमी ताकत है जिसके सर पर हम पाकिस्तान जिंदा है। अच्छा भाई गुजरात जब मैं ये चैनल पर ना बैठता था पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था,
अब नहीं, अब मैं खुद इन लोगों के खिलाफ हो गया हूँ कि ये देखे खिलाफ नहीं। हाँ एक बात और भाई, बड़ी, भाई एक और बड़ी बात अहम कि आपके दोस्त असल प्योर दोस्त में पता क्या और जो फेक दोस्त और प्योर दोस्त में क्या फर्क होगा। आपका जो प्योर दोस्त होगा असल दोस्त होगा, ये यकीन करिए कि ऐसी नसीहत बता रहा हूँ जो आप जिंदगी में संभाल लीजिएगा। आपका जो असल दोस्त होगा ना वो आपकी आपको खामियां बताएगा, आप ये आपकी खामियां हैं ये कवर करो, इसकी वजह से आपकी माशरे में इज्जत खराब हो रही है, आपकी इसकी वजह से आप नीचे जा रहे हैं। और जो आपका फेक दोस्त होगा ना जो आपको दिल से चाहता होगा कि ये तो बर्बाद हो जाए, और ऊपर से वो जिस तरह कहते हैं बगल में छुरा मुंह में राम राम, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा यार तुम बहुत अच्छे जा रहे हो, आपकी बुराई पर भी आपको कहेगा तुमने ठीक किया है, वो हर मामले में आपका सपोर्ट करेगा। तो समझ लीजिएगा कि वो आपका खैर खा रही है, तो खैर खा आपका वही होगा जो आपको बुरा समझ। तो जो हमारी इंडियन मीडिया है वो तो फिर पाकिस्तान की दोस्त हुई ना। और यार मैं तो उनको कहता हूँ दिमाग पर ना उनको सोचो, अगर वो हमें ये तो भाई वो हमारी को निकाल रहा है, बात है वो गलतियां निकाल रहे हैं, हमें सोचना चाहिए उस पर अमल करना चाहिए। जैसे बात भाई मुख्सर क्या कितना अभी इनको कोस सकते हैं, बस कोशिश ये है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड हो, इस दोनों मालिक और एशिया खिता पूरी तरक्की करेगा। और मैं भी ये चाहता हूँ, मेरे तो दिल की बातें करते हैं, हमारे तेरे तो दिल की ये ख्वाहिश है कि इंडिया और चाइना एक हो जाए, और तो पाकिस्तान भी इसके साथ तो कुछ होश के नाखून लें और करप्शन को रोक कर मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ फैसले करें, हो सकता तो ये खित्ते के लिए अच्छा है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है वीडियो में सन्नाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।